अभी टाइम हो रहा है सुबह के 3:22 और हम लोग जा रहे हैं एक लॉन्ग राइड पे। तो इस लॉन्ग राइड में हम लोग जाएंगे चिटकुल। चिटकुल एक छोटा सा विलेज है किन्नौर सांगला वैली में, जिसका डिस्टेंस यहाँ से ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर है। इस राइड का जो प्रिपरेशन है हमने कल नाइट में ही कर लिया था। दो राइडिंग हेलमेट्स, नी गार्ड्स, वाटरप्रूफिंग क्लोथ्स, राइडिंग जैकेट एंड बाइक चेन ल्यूब एंड क्लीनर और कुछ वार्म क्लोथ्स। और लगेज को पैनियर में पैक करने के बाद हमने उसको बाइक में इंस्टॉल कर दिया था, एंड उसके साथ साथ हमने यूएसबी चार्जर भी नाइट में इंस्टॉल कर दिया था बाइक में, ताकि हम लोग अपने मोबाइल और एक्सेसरीज इजीली चार्ज कर सकें। अब यहाँ से निकलते हैं दिल्ली से। हे गाइस, वी आर गोइंग ऑन अ राइड टू चिटकुल। अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट के लिए एक स्टॉप लिया है। हम लोग अम्बाला क्रॉस करेंगे और चंडीगढ़ के पास पहुंचने वाले हैं। तो जहां पे हमने स्टॉप लिया वहां का मेन्यू कार्ड कुछ ऐसा है। टैम्बुरिन। नौ बज चुके हैं और अभी अभी हम लोगों ने नाश्ता किया और अब नारकंडा की तरफ बढ़ते हुए। आ गए हम कुपरी में। तो कैसी थी चंडीगढ़ से लेकर यहाँ तक की राइड? दर्द हो गया। 3 घंटे से रुका ही नहीं है गाड़ी। सो ब्यूटीफुल। शिमला के आगे, शिमला से पहले तो ठीक है। शिमला से पहले पर शिमला के बाद जो व्यूज आते हैं भाई, उसकी बात बिल्कुल अलग है। एवरी नेक्स्ट टर्न इज मोर ब्यूटीफुल देन द प्रीवियस वन, एंड द प्रीवियस वन वाज ऑलरेडी गुड। बहुत अच्छा है। मैगी नेवर टेस्टेड सो डिलीशियस। क्यों? इतनी भूख लगी है, तुमने गाड़ी नहीं रुकाई इतनी देर से। आई मिस यू आना। ये क्या था? सडन इमोशनल आउटबर्स्ट था नेहा का। तो हम लोग इस होटल में रुके हुए हैं और ये होटल जो है मेन रोड से 4-5 किलोमीटर ऑफ रोड करके है। ये होटल जो है हिल टॉप पे है, इसलिए होटल का नाम हिल टॉप भी है। थोड़ा सा यहाँ पे पहुँचना कठिन है, बट जो होटल के व्यू हैं वो अलग ही लेवल के हैं। मैंने इसकी एक छोटी सी बी रोल सीक्वेंस बनाई है। एक और ख़ास बात यहाँ की है, ये इसी होटल के बगल में एप्पल के बाग हैं और हमने फर्स्ट टाइम देखे एप्पल के बाग, और नेहा ने तो एक एप्पल ट्राई भी कर लिया और उसके बाद फेंक भी दिया। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ में आया। नेहा ही बताएगी क्यों फेंका। रोहित ने मना किया था खाने को। सो ईव गॉट पॉइजन्ड विद द एप्पल। मॉर्निंग फ्रॉम नारकंडा। टुडे इज डे 2 ऑफ अ राइड
और अभी अभी हमने सारी पैकिंग कर ली है। इसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर यहाँ से जाएंगे चिटकुल। तो चिटकुल यहाँ से ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर दूर है। सारा का सारा रास्ता जो है हिल में ही है, तो जो एवरेज स्पीड आएगी 20-30 की। तो जस्ट अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। चलो भाई, बज चुके हैं 9:07। निकलना था 7 बजे, 2 घंटे लेट। मज़ा आया इस होटल में। टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस एम्बिएंट। है मेन रोड जो कि जाती है चिटकुल की तरफ, और हमारा होटल इतना ऑफरोड करके था, और वो दूर दिख रहा है ना, वो हमारा होटल है ऊपर टॉप पे, हिल टॉप ऐप नाम रखा है इन्होंने। राइड की शुरुआत हो चुकी है। भाई साहब, Oh my god, the road to Hattu Peak was so narrow. It didn't even exist in some patches. It became slippery due to mud and water. Bavre, kichad. Baby, aage, aage. The steepness of this road can be gauged from the fact that we have gained almost 1 km elevation in just 6 km route to Hattu Peak. No doubt, we had our land karade movement there. This road is bad. You can climb here if you want. कोई नहीं आना पब्लिक, कोई ट्रैक्शन नहीं मिलेगा ना, तो दिक्कत होगी। तो हम लोग हाटू पीक पे पहुंच गए हैं। हाटू पीक अराउंड 3400 मीटर एलिवेशन पे है, और यहाँ पे एक हाटू टेम्पल है जिसका व्यू वो है। प्लस जो हाटू पीक है, मेन रोड से 5-6 किलोमीटर थोड़ा ऊपर है, और जो रोड्स हैं बहुत ही ज़्यादा नैरो एंड ट्रेचरस टाइप के हैं। इस तरफ से जो व्यू है, वहाँ पे सारी पीक्स जो हैं स्नो कैप्ड हैं, एंड इस तरफ जो हिमालयस दिख रहे हैं ये धौलाधार रेंजेस हैं, और इस तरफ जो हिमालयस दिख रहे हैं स्नो कैप्ड वो है वस्पा रेंजेस। वस्पा रेंजेस के अंदर ही चिटकुल विलेज घुसा हुआ है जहाँ पर हमें आज पहुँचना है। तो यहाँ से अराउंड 6-7 आवर्स की जर्नी है, तो अभी हम लोग 10-15 मिनट यहाँ पर स्पेंड करेंगे और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो हम लोग अभी निकल रहे हैं हाटू पीक से और जा रहे हैं चिटकुल की तरफ। सेम ओल्ड रोड, इस वही डिसेंड करेंगे, पिछली बार एसेंड किया था। डिसेंड प्रोबेबली इजी रहेगा, एसेंड से आई थिंक। लेट्स यूज इंजन ब्रेकिंग। तो जो पहाड़ हमने हाटू पीक पे देखे थे वो पहाड़ यहाँ पे दिख रहे हैं, इतने क्लोज आ चुके हैं हम इन पहाड़ों के। बारिश होने के कारण मुझे लगता है पीक्स पे और स्नो बढ़ने ही वाली है। हम लोग अभी हैं वांगसू और कच्छम के बीच में,
Sometimes people who are not into riding or traveling ask that what's the point of such a long distance risky ride. Frankly, I also even don't know, but there is something unexplainable and mystifying about our Himalayas. And in the end, pain of the day long arduous rides has always been completely subdued by enchanting vastness and beauty of these mountains. पराठा और हम लोग हैं अभी चिटकुल गांव में ऑमलेट ये पब्लिकली पोस्ट कर सकते हैं लॉज ब्रेक करना ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करना ये सब हम पब्लिकली पोस्ट कर सकते तो ऑमलेट का डर लग रहा है हमको हमारी मम्मी डांट देंगी तो अभी मैं जा रहा हूँ छोटे से ट्रैक पे मैंने नेहा से पूछा था आने के लिए उसने मना कर दिया उसको ट्रैक करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है पर मुझे ये ट्रैक करना था तो ये ट्रैक जो है चिटकुल की छोटी सी पीक के ऊपर जाने के लिए है तो मैं वहीं जा रहा हूँ अभी पता नहीं रोहित कहाँ है वो इस पहाड़ पे चढ़ने गया है मैंने तो पहले ही मना कर दिया मैं तो अभी अपने गेस्ट हाउस की तरफ जा रही हूँ सुंदर घर बनाए हुए हैं लोगों ने ब्यूटीफुल हाउसेस यहाँ पे गांव के लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं टूरिस्ट लोग आके बहुत इंटरफेयर करते हैं उनकी लाइफ में इसलिए लेकिन अगर बात नहीं करोगे तो चुपचाप जा सकते हो वैसे ही मना किया जाता है जब आप 3000 मीटर एल्टीट्यूड पे हाई पे हो और आपको फर्स्ट डे हो तो आपको कोई भी स्ट्रेनुअस एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए पर मेरे पास सिर्फ एक ही दिन है और इसके बाद मुझे दिल्ली वापस जाना है तो ये ट्रैक करना मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो ये एक्टिविटी मैं अभी कर रहा हूँ ये पीक पे वहाँ पे एक फ्लैग शायद इस कैमरे में ना आए तो वहाँ तक मुझे जाना है और अभी मैं हूँ यहाँ पे और उस पीक से भाई साहब इस वैली का व्यू ऑसम है ज़्यादा स्ट्रेनुअस एक्टिविटी करने से होता क्या है कि आपको माउंटेन सिकनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं पर मैंने ये ट्रैक देखा है और इस ट्रैक की जो ब्यूटी है वो बहुत ऑसम है जब हम लोग पीक पे पहुंच जाएंगे तो पूरे चिटकुल का और वस्पा माउंटेन्स का जो व्यू आएगा ऑसम होगा वो नेहा ने मेरा साथ छोड़ दिया है चलो कोई बात नहीं उससे नहीं हो पाता ये ट्रैक काफ़ी टफ है मैं ही करता हूँ
मैं गलत निकल आई थी, उन्होंने मुझे बताया कि नीचे जाना है, ऊपर नहीं जाना है। बाप रे, नीचे ऊपर समझ में नहीं आता यहाँ पे तो। उफ़ ओए राम, नाइस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। काफी ज्यादा ग्रेवल है, फिसलने का खतरा। हाँ जी, तो ऊपर से चिटकुल रेंज कुछ ऐसा दिखता है और पीक्स, वो फर्स्ट टाइम देखा मैंने ऐसा नज़ारा, ऑसम। अभी तो मैं मिडवे भी नहीं पहुंचा हूं, थोड़ा रेस्ट ले रहा हूं, सांस ले रहा हूं, उसके बाद फिर चलता हूं। बस्पा रिवर, बस्पा माउंटेन्स एंड दैट वी शेव वैली, भाई साहब कहना जा रहे हैं। तो मुझे ये अपना मिशन फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। फेल होने के कारण बहुत सारे हैं। पहला कारण ये कि जो इस ट्रैक का कोई वेल डिफाइंड ट्रेल नहीं है, तो पत्थरों के सहारे चढ़ के जाना है। दूसरा कारण ये, पत्थरों के सहारे चढ़ के जाना है तो मुझे ये कैमरा भी हैंडल करना है, तो मैं दोनों चीज़ें साथ में नहीं कर सकता। तीसरी चीज़ ये कि मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं है मेरा, तो इतने थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है यहाँ पे ट्रैक में। अगर कोई पार्टनर होता तो एक दूसरे के साथ मोटिवेट करते हुए चले जाते। चौथी चीज़ ये कि हर जगह बादल ही बादल है, हो सकता है थोड़ी देर में बारिश हो जाए। अगर बारिश हो गई तो ये ट्रेल जो है बहुत ज़्यादा ही स्लिपरी हो जाएगी, जो कि मैं रिस्क ये ले नहीं सकता हूँ। तो अब मैं अपने आप को यहीं बैठ के थोड़ी देर संतुष्ट करूँगा, व्यू देखूँगा। और यहाँ का जो व्यू है, ये नीचे विलेज, वो रिवर, वाह, ये बर्फीले पहाड़। आज एक फेस्टिवल है यहाँ पे, मुझे भी देखना है। इसको फ्लावर फेस्टिवल बोलते हैं। मैं जा रही हूँ देखने के लिए कि उधर क्या होता है।
music of this temple. Even the lambs, the sheep are praying. तो मैंने अपना ट्रैक कंप्लीट करा लिया कर लिया और नेहा ने अपना विलेज टूर भी कंप्लीट कर लिया. एंड नेहा कुछ बताना चाह रही है इस विलेज के बारे में. हाँ, तो ये देख रहे हो, ये वाला, ये जो घर है ना, ये घर नहीं है. यहाँ पे हर किसी के पास एक ऐसा हाउस होता है. इस हाउस के अंदर ये लोग बहुत सारा अनाज, आलू, दालें और अपने जानवरों के लिए ऊपर घास फूस सब कुछ स्टैक करके रखते हैं. कम से कम 2-3 साल का खाना रखते हैं ये लोग, यहाँ के लोग बता रहे थे. ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया. जब ठंड आती है तो यहीं से. तो बात ये है कि ऐसा है कि यहाँ पे 4-5 महीने पूरा विंटर स्नो से कवर रहता है और ये एरिया जो है विलेज डिस्कनेक्ट हो जाता है आउटर वर्ल्ड से. तो लोग क्या बोलते हैं, पूरा स्टॉकिंग कर लेते हैं 4-5 मंथ की, तो उसमें ये हट यूज़ करते हैं. 6 महीने की इनको, 6 महीने का राशन भी मिलता है खाने के लिए. गवर्नमेंट काफ़ी सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है यहाँ पे. फ्लावर फेस्टिवल की खास बात यह है कि ये एक बहुत, इस पहाड़ के पीछे जाते हैं वो, और उधर एक अलग तरह की मिट्टी है, वहाँ पे ही वो फ्लावर होता है. वो सिर्फ मतलब जैसे 4000 फुट पर ही होता है वो फ्लावर, ऐसे बता रहे थे वो. अच्छा. तो उस फ्लावर, वो वहाँ से पूरे फ्लावर्स लेके आते हैं. हाँ. गांव से 2 लोग चुने जाते हैं, वो ही 2 लोग जाएंगे, वो फ्लावर्स लेके आएंगे. हाँ. सबसे पहले देवी माँ को चढ़ाएंगे और फिर उसके बाद सबको वो फूल बांटेंगे. वो एज अ गुडविल मानते हैं उसको, उस फ्लावर. अभी मान लो यहाँ से 4000 फीट ट्रैक करना मतलब बहुत मुश्किल है. मैंने यहाँ पे सिर्फ 3400 से मे बी 3500 या 3600 मीटर का ट्रैक किया हुआ, उसमें मैं 2 बार ही गिर गया. लोग यहाँ से जाते हैं और क्या बोलते हैं, उन पासिस से होते हुए जाके एक अपनी पूजा के लिए, एक श्रद्धा के लिए एक फ्लावर लेके आते हैं. सच में काफ़ी बड़ी बात है. एक और ख़ास बात इस प्लेस की ये है कि चिटकुल से एक ट्रैक होता है, गंगोत्री ट्रैक, चिटकुल गंगोत्री ट्रैक, जो यहाँ से इसी रिवर को फॉलो करते हुए आगे एक पॉइंट आता है, वहाँ से आप राइट ले लेते हैं, देन आप सीधे चले जाते हैं उत्तराखंड में. तो ये जो चिटकुल विलेज है हिमाचल और उत्तराखंड की बाउंड्री में है. मॉर्निंग फ्रॉम चिटकुल. October, टाइम 6:25 और हम लोग निकल रहे हैं अभी चिटकुल से. अक्टूबर के महीने में बर्फ जमी हुई है सीट पे. चलो यार, फिर आएंगे तो इसके पास आएंगे, मिलता फिर से. यार मजा आया आपके स्टे में. यहाँ से राइट स्पिति के लिए जाता है, यहाँ से लेफ्ट शिमला के लिए. ये लिखा ना पू वैकोंग क्यू.